करने वाली बात यह है साथियों कि शहादत के अपमान का जो उदाहरण श्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के हमले के बाद पेश किया ऐसा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मैं फिर दोहराता हूं शहीदों और शहादत के अपमान का जो उदाहरण श्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के बाद पेश किया ऐसा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं जब पूरा देश गुरुवार को 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में तीन बजकर दस मिनट पर आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं पूरा देश उस सदमे से जूझ रहा था और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रामनगर नैनीताल के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे यही नहीं मोदी जी डिस्कवरी चैनल के मुखिया वे उनके कैमरा क्रू के साथ खुद के प्रचार प्रसार और घड़ियालों को बोट राइड में निहार रहे थे सुना है कांग्रेस ने कुछ प्रेस किया है आज पांच दिन के देश और सरकार के साथ पुलवामा हमले पर सात खड़ा होने का दिखावा करके आज कांग्रेस पार्टी ने अपना सही चेहरा सामने रखा है आफ्टर मेंटेनिंग अ फसाद ऑफ स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट एंड द आर्म फोर्सेस फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स द ट्रू कलर ऑफ द कांग्रेस पार्टी हैज अर टूडे और सबसे पीड़ा की बात यह है कि जिस समय पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है चाहे वो न्यूजीलैंड की संसद हो चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो रशिया हो चाहे वो साउथ अफ्रीका की संसद हो ये सब प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कल सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस आए थे जॉइंट स्टेटमेंट में पुलवामा की जबरदस्त भरसना की गई थी तो जब पूरी दुनिया खड़ी है और जब सेना का साहस मजबूत है Congress Party utha rahi hai. When the whole country is one, when the morale of armed forces is sky high, when the countries after countries are passing resolution condemning Pulwama and standing firmly with the government of India, at that critical moment, suddenly the true face of Congress Party appears, seeking to किन द मुरल ऑफ द कंट्री कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद करें जरा फोन बंद करें बड़ी मेहरबानी होगी मित्र कांग्रेस पार्टी से और क्या उम्मीद करें जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगती है जिसके नेता हमारे आर्मी के चीफ पर घटिया आरोप लगाते हैं जो राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं लेकिन लंदन में एक क्वेश्चनेबल कैरेक्टर का आदमी हिंदुस्तान के इलेक्शन पर सवाल उठाता है कपिल सिब्बल की उपस्थिति में तो कोई सबूत नहीं मांगते हैं उनसे क्या अपेक्षा की जाए क्या कांग्रेस पार्टी ने उस बहादुर निकिता कॉल के सल्यूट को देखा है जो उसने देहरादून में दिया था मेजर ढोंडियाल के जब शहीद के रूप में कॉफीन आया था उसने क्या देश को संदेश दिया था कंट्री विल नेवर बज हम सभी भावुक हो गए थे उस सैल्यूट को देख करके मैं स्वयं एक टीवी चैनल पर था मैंने कहा इसको बार बार देश को दिखाओ एक तरफ और उसकी शादी के एक वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे एक तरफ देश का ये जज्बा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि सॉल्व की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी से बात कहां से शुरू की जाए आज हम उस स्तर पर उतरना नहीं चाहते कहा गया कि देश में शोक नहीं बताया गया और हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी शर्मिंदगी भरे आरोप लगाए गए वो रामगढ़ फॉरेस्ट में रामगढ़ राम रामनगर में ऑफिशियल प्रोग्राम में गए थे आपको पता है कंजर्वेशन के संबंध में टाइगर कंजर्वेशन के संबंध में उनके ऑफिशियल प्रोग्राम थे तो अगर कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि पुलवामा में हमला होने वाला है हमें तो नहीं मालूम था कांग्रेस पार्टी का सूचना तंत्र इतना मजबूत है तो अच्छी बात है लेकिन पीएम उस समय वेदर खराब था पीएम ने वहीं से मीटिंग की और बाद में ड्रोव डाउन फार अवे टू कैच द फ्लाइट ये भी पता है आपको दिल्ली में मीटिंग हुई लेकिन कांग्रेस की सोच में और हमारी सोच में एक बुनियादी अंतर है देश में शोक है और प्रधानमंत्री ने कहा हम लोग सब लोग जाएं अंतिम संस्कार पे। और हम लोग सारे मंत्री गए हमारे सारे नेता गए मैं स्वयं गया था वो मसौड़ी में और फतवा में था मैं बाकी लोग भी गए थे अन्य पार्टी के लोग भी गए थे अच्छी बात है लेकिन देश चलना चाहिए आतंकवाद के सामने देश नहीं झुकना चाहिए यह संदेश भी देना जरूरी है और आपको ध्यान होगा कि पार्टी के सारे कार्यक्रम तीन दिन के लिए स्थगित कर दिए गए थे मैं स्वयं था मदुरई में बेलोर के बाद वहीं एयरपोर्ट पर मालूम हुआ मुझे सुबह में कि कार्यक्रम स्थगित है तो स्थगित हो गया लेकिन बाकी देश चलना चाहिए कि आतंकवादी को मैसेज नहीं जाए हमने देश को झुका दिया और देश को रोक दिया यह संदेश तो जाना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी को उससे तो भी परेशानी है कि झांसी में प्रधानमंत्री जी अगर गए हैं डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करने तो आपको परेशानी है क्या क्या मतलब है इसका कांग्रेस चाहती अपराध देश रुक जाए <coughs> तो कांग्रेस पार्टी इसके जवाब में हम साफ कहेंगे आतंकवादी कुछ भी कर ले नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ना झुकेगा न रुकेगा यह जवाब है हमारा इफ कांग्रेस पार्टी इज कीन दैट वाई मिस्टर मोदी हैड टू झांसी तो लेट मी से इट स्ट्रेट अवे ऑन द फेस ऑफ कांग्रेस पार्टी द पार्टीज प्रोग्राम वे आर पोस्टपोन फॉर थ्री डेज बट फॉर द सेक ऑफ टेररिस्ट गेम प्लान इंडिया विल नॉट स्टॉप एंड इंडिया शुड नॉट स्टॉप यह हमारी सोच है यह तो सोच का फर्क है ना यह तो सोच का फर्क है आज बहुत ही हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ घटिया बातें की गई है आज हम उस स्तर पर नहीं उतरना चाहते हैं एक बात हम बहुत पीड़ा से कहेंगे कि सोशल मीडिया पर श्रीमान राहुल गांधी का एक वीडियो काफ़ी वायरल है कि जहाँ हमारे सेना के शहीद की बॉडी आई थी वहाँ पर वो अपने मोबाइल फोन पर कुछ कर रहे थे हमने उसको इश्यू बनाया क्या हम चाहे तो बना सकते थे ना जो हमें नसीहत दे रहे हैं और याद करिए जब केदारनाथ में हुआ था हादसा त्रासदी आई थी समय मनमोहन की सरकार थी तो राहुल गांधी गए थे तो याद है ना आपको आईटीबीपी के लोगों के लिए टेंट खाली कराया गया था रात में वहां रुके थे तो क्या कहने की कोशिश की जा रही है मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा देश की एकता को कमजोर ना करें और देश की रिजॉल्व को कमजोर नहीं करें वैसे भी कांग्रेस पार्टी की इतनी ताकत नहीं है कि वो देश की साहस और देश की मजबूती को कमजोर कर सके लेकिन हां इस तरह की टिप्पणियों से लोग विचलित होते हैं यह क्यों बोला जा रहा है यह बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा और कांग्रेस पार्टी कृपया करके सेना का मनोबल न तोड़े और यह बात मैं बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही प्रामाणिकता से कहना चाह रहा हूं कि आज भारत की सेना के साहस को देखकर गर्व भी होता है सल्यूट करने की इच्छा होती है और भावुकता होती है जहां जहां हम लोग गए हजारों की संख्या में नौजवान सड़कों पर हैं, भारत माता की जय और उस परिवार के लोग कह रहे हैं अपने बच्चों को हम सेना में भेजेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस में भेजेंगे ये जज्बा है भारत की सेना का और उस समय आप ऐसे सवाल तो कांग्रेस पार्टी एक बात आप साफ साफ सुन लो देश नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है उनके साहस पर उनकी निर्णय क्षमता पर और उनके नेतृत्व पर कि देश उनके हाथों में सुरक्षित है और रहेगा बीजेपी पूरी प्रामाणिकता से इस बात को कहना चाहती है